नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर कोलाइडल स्टेट में आज हम कोलाइडल विलयन की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इसमें सबसे पहले लें हम हेट्रोजीनस नेचर। कोलाइडल विलयन का नेचर हेट्रोजीनस होता है, अर्थात ये विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें दो फेज उपस्थित होती हैं, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। दो फेज के कारण यह कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस नेचर का होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ हम लें स्टेबिलिटी, अर्थात जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल जो हैं निलंबन अवस्था में अनिश्चित काल तक रहते हैं और पैंदे में एकत्रित नहीं होते हैं। लेकिन उच्च गति वाली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखे गए गुरुत्वबल से ये पैंदे में एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म। कोलाइडल पार्टिकल के कारण कोलाइडल विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म पाए जाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म हमारे कौन कौन से हैं, परासरण दाब, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ये हमारे अणुसंख्य गुणधर्म हैं। तो इन अणुसंख्य गुणधर्मों का मान अधिक होता है। लेकिन मापन योग्य गुण केवल परासरण दाब होता है, क्योंकि कणों का आकार बड़ा होने के कारण विलयन में कणों की संख्या अत्यंत कम होती है। अतः अणुसंख्य गुणों का मान अत्यंत कम होता है, इसलिए मापे नहीं जा सकते। नेक्स्ट ले हम फिल्टरेबिलिटी। कोलाइडर पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू ए पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन और अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर, अर्थात कोलाइडर पार्टिकल जो हैं वो साधारण फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं या छन जाते हैं, परंतु पार्चमेंट पेपर या जांतव्य झिल्ली या अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर से नहीं छनते। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ लें काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ या ब्राउनियन मोमेंट या ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन 1927 में रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। उसने कोलाइडल पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देखा तो वह कंटिन्यूस जिगजैग मोशन करते हैं, तो यह मोशन हमारा ब्राउनियन मोशन कहलाता है। अर्थात कोलाइडल विलयन में कोलाइडल कणों की अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनीय गति कहलाती है। यह क्यों होती है, जब कोलाइडल पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं तो वे अपनी दिशा बदल लेते हैं, फिर दूसरी दिशा में किसी पार्टिकल से टकराते हैं तो फिर पुनः दिशा बदल लेते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, ये पार्टिकल जो है ये इस पार्टिकल से टकराया और अपनी दिशा बदल लेता है इस दिशा में, फिर इससे टकराकर इस दिशा में, इससे टकराकर इस दिशा में, तो इस तरह से ये जिगजैग मोशन करते हैं। तो यह जो मोशन है, यह टेढ़ी मेढ़ी गति जो है वो हमारी ब्राउनीय गति कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल लें, सिनेमा हॉल में हमने देखा कि जब प्रोजेक्टर की लाइट में हम देखते हैं तो जो लाइट बीम है उसमें डस्ट के कण, धूल के कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो यह है ब्राउनीय गति कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लें हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, या हम कहें टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट 1867 में टिंडल साइंटिस्ट ने दिया, उन्हीं के नाम पर इसे हम टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है, जब हम किसी लाइट बीम को
किसी कोलाइडल विलयन में पास करते हैं तो कोलाइड के कण लाइट के पथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब हम यहाँ हम देखें, हम तीन सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। जब हम इसमें लाइट पास करते हैं तो लाइट बीम जो है ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन से पास तो होती है, लेकिन हमें प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही प्रकाश कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होता है तो कोलाइडल विलयन के में कोलाइडल कण जो हैं वो प्रकाश के कणों को स्कैटर्ड कर देते हैं, जिससे हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। यह प्रभाव हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट पास होती है तो लाइट का पथ हमें एक कॉन के रूप में दिखाई देता है। यहाँ हम देखें, ये कॉन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, तो यह कॉन जो है यह कॉन टिंडल कॉन कहलाता है। ट्रू सॉल्यूशन जो है उनमें कण जो है बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। स्मॉल साइज के होने के कारण ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। जबकि कोलाइडल कण, कोलाइडल विलयन में कोलाइडल कण जो हैं वो वास्तविक विलयन के कणों से थोड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश को स्कैटर्ड कर देते हैं। स्कैटर्ड करने के कारण ये हमें चमकते हुए या चमकीले दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम यानी डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस होता है, उसके कारण लाइट स्कैटर्ड होती है और हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम कोलाइडल विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो कोलाइड के कणों का एक इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट होता है, यह मूवमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। कोलाइडल विलयन में कोलाइडल पार्टिकल्स या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अर्थात एक ही विलयन में सभी कोलाइडल कण एक ही आवेश के होते हैं, अर्थात उन पर आवेश समान होता है, या तो वो धनावेशित होंगे या वह ऋणावेशित होंगे। जैसे हम धनावेशित कोलाइडल कण देखें, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय रंजक, हीमोग्लोबिन, ये हमारे धनावेशित कोलाइड कहलाते हैं। और ऋणावेशित कोलाइड में हम स्टार्च लें, मिट्टी, सैलिसिलिक अम्ल, धातु में हम जैसे ऑरम, अर्जेंटम, प्लैटिनम, इसी तरह से आर्सेनिक सल्फाइड, ये हमारे ऋणावेशित कोलाइड हैं। तो जब हम कोलाइडल विलयन लेते हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक हम यूट्यूब लेते हैं, इसमें कोलाइडल विलयन भर देते हैं। कोलाइडल विलयन भरने के बाद हम इनके दोनों ट्यूब के दोनों एंड पर एक और एनोड और एक और कैथोड लगा देते हैं। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोड्स पर, तो जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा यानी कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं और यहाँ आकर डिपॉजिट हो गए। तो यह जो प्रोसेस है ये कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का कैथोड की ओर जो मूवमेंट है वो कैटाफोरेसिस कहलाता है। कैटाफोरेसिस के हम
एप्लीकेशंस देखें, क्या क्या यूटिलिटी हैं, एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम देखें टू रिमूव कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल स्मोक एंड शूट, यानी जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन पार्टिकल होते हैं, उन कार्बन पार्टिकल्स को कैटाफोरेसिस द्वारा अलग कर लिया जाता है। यानी जो इंडस्ट्रीज़ की चिमनी है उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिससे कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं और धुआं मुक्त हो जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन हम ले इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ रबर, यानी रबर को अवक्षेपित करते हैं कैटाफोरेसिस द्वारा। नेक्स्ट है टू रिमूव डर्ट, यानी डर्ट को हम कैटाफोरेसिस द्वारा रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखें पेंटिंग ऑफ मेटेलिक पार्ट्स ऑफ कार, यानी कार के जो मेटेलिक पार्ट्स हैं उन पर पेंटिंग करने के लिए कैटाफोरेसिस यूज़ होता है। और हम एक और एप्लीकेशन देखें इसकी क्लीनिंग ऑफ सीवरेज वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है यानी सीवरेज वाटर जो है उन उसमें से गंदगी को अलग कर जो शेष पानी है ये शुद्ध पानी है उसको हम एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ करते हैं। तो सीवरेज वाटर से जो गंदगी है कोलाइडल पार्टिकल हैं गंदगी के उनको कैटाफोरेसिस द्वारा अलग कर लिया जाता है और जो पानी बचता है वाटर जो बचता है उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लें हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है? मूविंग ऑफ डिस्पर्जन मीडियम टुवर्ड एनी वन इलेक्ट्रोड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र लगाने पर डिस्पर्सन मीडियम का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इलेक्ट्रोड की ओर गमन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहलाता है। यहाँ हम देखें एक ट्यूब है, उस ट्यूब को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन या हम पार्चमेंट पेपर जिसको कहते हैं उससे इस ट्यूब को तीन चैम्बर में डिवाइड किया गया है। यानी इस ट्यूब के यहाँ और यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर इसको तीन चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया। बीच वाले चैम्बर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन भर देते हैं और दोनों चैम्बर में शेष ए और बी चैम्बर में हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोड लगाते हैं इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है डिस्पर्सन मीडियम जो है वो इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट करने लगते हैं, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम भी चार्ज पार्टिकल है और कोलाइडल पार्टिकल भी चार्ज पार्टिकल है। तो कोलाइडल पार्टिकल तो साइज में बड़े होने के कारण सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पेपर से या एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, केवल डिस्पर्जन मीडियम ही पास हो पाता है और जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो बीच वाले चैम्बर में ही रह जाते हैं। तो इस तरह से हम कोलाइडल विलयन से डिस्पर्जन मीडियम को पृथक कर लेते हैं। तो यह प्रोसीजर हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ये हमारी कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज थी। थैंक्स।